आईपीसी सेक्शन 323 पनिशमेंट बताता है जी, सजा बताता है हल्की फुल्की चोट का, बिल्कुल मामूली सी चोट, ऐसी चोट जिसका असर या तो 5-7 मिनट के अंदर खत्म हो जाए या ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 दिन के अंदर खत्म हो जाए। कहने का मतलब ये है कि कोई ज़्यादा टूट फूट ना हो शरीर की, और अगर कोई ऐसी चोट देता है तो उसके ऊपर 323 का मुकदमा दर्ज हो जाएगा। आए दिन पता नहीं कितनी एप्लीकेशन आती हैं, मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरे को थप्पड़ मार दिया, मेरे पति ने मेरे को थप्पड़ मार दिया, मेरे देवर ने मेरे को थप्पड़ मार दिया, और लग गई 323। एक थप्पड़ की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, 323 लग जाती है। या फिर अगर किसी ने 319 के तहत अपराध किया है या फिर 321 के तहत अपराध किया है तो इन दोनों की जो सज़ा मिलती है वो भी 323 के तहत मिलती है। अब 319 क्या होती है और 321 क्या होती है बहुत अच्छी तरह सिखा चुका हूँ, प्लेलिस्ट में जाइए, 319 और 321 बहुत सारे एग्जांपल भी दे रखे हैं, अच्छे से क्लियर कीजिए। लेकिन अगर मैं कुछ ही बताऊँ, साधारण भाषा में बताऊँ, 319 अगर किसी को हल्की फुल्की चोट दी है लेकिन जानबूझकर नहीं दी, 321 किसी को हल्की फुल्की चोट दी है लेकिन जानबूझकर दी है, बस इतना सी बात होती है। और इन दोनों की जो सज़ा होती है वो 323 के तहत होती है। लेकिन आज मैं आपको सज़ा तो बताऊंगा, सज़ा क्या मिलेगी तो 5 सेकंड का काम है, आज आपको वो चीज़ बताऊंगा जो शायद आपने अज्यूम ना की हो, इसलिए लास्ट तक ये वीडियो देखना अगर अच्छे से सीखना हो तो। 323 के तहत जो सज़ा मिलेगी वो मिलेगी 1 वर्ष की प्लस में 1000 रुपये फाइन, या ये दोनों भी लग सकते हैं। जमानती होगी, कोई दिक्कत नहीं, जमानत मिल जाएगी। और गैर संज्ञेय अपराध होगा और इसकी जो सुनवाई करेगा वो फर्स्ट कैटेगरी का मजिस्ट्रेट भी कर सकता है और सेकंड कैटेगरी का मजिस्ट्रेट भी इसकी सुनवाई कर सकता है। ये तो थी जिनको जल्दी थी जाने की, जाओ असल चीज़ अब सीखो। 323 गैर संज्ञेय अपराध होता है, इसका मतलब ये है कि पुलिस को पकड़ने के लिए वारंट की आवश्यकता होती है। अगर मान के चलो आपके ऊपर 323 का मुकदमा दर्ज है, पुलिस आपको पकड़ने आई तो आप कह सकते हो वारंट दिखाओ, 156B का वारंट दिखाओ कि कोर्ट ने गिरफ्तारी के ऑर्डर दिए हैं या नहीं दिए। लेकिन क्या 323 संज्ञेय अपराध भी हो सकता है? 323 क्या संज्ञेय अपराध हो सकता है, मतलब विदाउट वारंट क्या पुलिस आपको पकड़ सकती है? ऐसा भी हो सकता है, यही चीज़ सिखाना चाहता हूँ। देखो कैसे, ये कोई पत्नी, ये कोई पति, अरे पत्नी कानी बन गई कानी, ये लो अब दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। झगड़ा होते ही इसने फ़ोन किया मायके में कि भाईजान जल्दी आ जाओ, आज तो खून पी रखा है इसने। इधर से भाई आ गया, अब भाई आते ही भाई ने जिज्जू को 2-3 थप्पड़ लगा दिए। जिज्जू को 2-3 थप्पड़ लगा दिए, जैसे ही थप्पड़ लगाए जिज्जू ने 100 नंबर पर फ़ोन लगा दिया। इधर से पुलिस आ गई, पुलिस ने आते ही साले साहब के ऊपर 321 के तहत 323 का मुकदमा दर्ज कर दिया। ये लो साले साहब तो गए अंदर, है ना। लेकिन जीजू ने क्या किया, जीजू ने एक वकील कर लिया, ये वकील कर लिया। और वकील साहब ने कोर्ट के अंदर दलीलें दी कि जज साहब, साले साहब ने मेरे क्लाइंट को 2-3 थप्पड़ मारे, बिल्कुल सही बात है 321 के तहत, और उसको 323 के तहत सज़ा भी मिलनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन साले साहब ने मेरे क्लाइंट को जाते जाते धमकी भी दी कि अगर अगली बार मेरी दीदी के साथ झगड़ा किया तो अगली बार हाथ पैर भी तोड़ दिए जाएंगे, यानी कि कृपया करके 503 का मुकदमा भी दर्ज किया जाए, 503 और 506 2 साल की सज़ा। एक थप्पड़ की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, फंसवा दिया ना साले साहब को। अब वकील साहब थोड़ा और जोर लगाते हुए कि जज साहब मेरे क्लाइंट को घर में घुस के मारा है साले साहब ने, अगर कोई घर में घुस के मारता है तो बहुत ही अच्छी बात होती है, 452 7 साल की सज़ा। बेशक 1-2 थप्पड़ मारा हो, अगर आपके घर में घुस के मारा है बेशक 1-2 थप्पड़ मारा हो, कोई दिक्कत नहीं, थप्पड़ तो मारा है, मैंने यही कहा ना हल्की फुल्की चोट दी 323 लगवा दी। लेकिन अगर वही हल्की फुल्की चोट घर में घुस के दी 452 7 वर्ष की सज़ा। एक थप्पड़ की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। और अगर यही थप्पड़ रात को मारा है, किसी और के घर में घुसकर रात को मारा है, फिर वकील साहब ने दलील दी कि जज साहब रात को आए हैं साले साहब और रात को आके मेरे क्लाइंट को पिटा है, तो 458 14 साल की सज़ा। एक हल्के फुल्के थप्पड़ की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, ये फंसवा दिया ना, देखो कहाँ 1 साल की सज़ा, कहाँ 14 साल की सज़ा। लेकिन जो चीज़ मैं आपको सिखाना चाहता हूँ वो ये नहीं, मैं ये सिखाना चाहता हूँ कि कब 323 संज्ञेय अपराध होगा। अगर 323
किसी ऐसी धारा के साथ लगती है जिसकी अपनी कोई सजा नहीं है, जैसे 319 की अपनी कोई सजा नहीं है, 321 की अपनी कोई सजा नहीं है। एक आईपीसीआर सेक्शन होता है 34 ये कहता है कि जैसे ये साले साहब है, साले साहब के साथ दो दोस्त और आ गए, यानी कि दो तीन लोगों की सेम इंटेंशन थी कि हमको सेम अपराध करना, सेम कांड करना है, तब 34 लग जाती है। तो इनके ऊपर 34 लगी, 34 के तहत इन तीनों के ऊपर 323 लगी। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर 323 किसी ऐसी धारा के साथ लगती है जिसकी अपनी कोई सजा नहीं है, 34 की अपनी कोई सजा नहीं, 321 की अपनी कोई सजा नहीं, 319 की कोई सजा नहीं, तब तो होगा ये गैर संज्ञेय अपराध। लेकिन 323 किसी ऐसे सेक्शन के साथ लगता है जिसकी अपनी भी एक सजा है, जैसे 503, 506, 452, 458, इन्हीं के साथ तो लगी है, तब ये संज्ञेय अपराध हो जाएगा जी। ये देखो, और इस संज्ञेय का मतलब क्या हुआ, पुलिस आपको विदाउट वारंट भी पकड़ सकती है। कुछ कुछ पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी, कह रहा था ना कि कुछ अलग चीज़ सिखाऊंगा। अब और देखो वकील साहब का कमाल, वकील साहब ने फिर एक दलील दी कि जज साहब, बहन भाई ने मिलके पहले से प्लानिंग बना रखी थी मेरे क्लाइंट को पिटने की। अच्छा, 120 ये लो षड्यंत्र की सजा, अब और फंसवा दिया। एक थप्पड़ की कीमत एक पुलिस वाले ने क्या लगाई थी, सिर्फ ये लगाई थी, और वही एक स्याना जो वकील होता है वो ये लगा देता है। और अगर वकील इस क्लाइंट का है, साले साहब का क्लाइंट का कोई वकील है, इसको बचाने के भी बहुत ज़्यादा तरीके हैं, बहुत तरीके 323 से बचने के लिए, खैर यहाँ तो नहीं बताऊँगा। अगर आपको अलग से कोई ऐसा वीडियो चाहिए कि हमारे ऊपर 323 लगी है, हमको बताओ कैसा बचा जाए, तो बहुत ज़्यादा तरीके हैं, वकील की नज़रों से बता दूँगा आपको। लेकिन 323 एक बात और भी कहता है कि अगर कोई ऐसा अपराध हुआ है जिसकी परिभाषा 334 में दी गई है, अगर कोई ऐसा अपराध हुआ है जिसकी परिभाषा 334 में दी गई है, तब उसको 323 के तहत सजा नहीं मिलेगी, तब उसको 334 के तहत सजा मिलेगी। अब ये 334 क्या होता है, 334 ये होता है कि अगर किसी ने हल्का फुल्का तो मारा किसी को, अगर किसी ने किसी को हल्का फुल्का मारा, जैसे मैं वो टीचर वाला एग्जाम्पल देता हूँ आपको मैं, देखो ये चीज़ समझ में आई, संज्ञेय और गैर संज्ञेय, सिर्फ ये चीज़ सिखाना चाहता था। और हाँ, एक चीज़ और, जैसे यहाँ पर जमानत लिख रखा ना मैंने, अगर ओनली 323 लगती है या किसी ऐसी धारा के साथ लगती है जिसका अपना कोई सजा नहीं है, तब तो होगी जमानती। लेकिन अगर कोई ऐसी धारा के साथ लग गई तो क्या पता गैर जमानती भी हो जाए, यही 323। और हाँ, वकील साहब लगवाना चाहे तो 499 भी लगवा देंगे, 499 और 500 मानहानि का केस भी लगवा सकते हैं। ये देखो 323 को तो कितना भी लंबा खींच लो, बहुत लंबी बन जाएगी, किसी को समझ में भी ना आएगी ये हुआ क्या। कुछ कुछ शायद आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, क्या बता रहा था मैं, हाँ टीचर वाला एग्जांपल, ये टीचर, ये कोई स्टूडेंट टीचर बोर्ड के ऊपर पढ़ा रहा है, ये बच्चे पीछे खुसर फुसर कर रहे हैं, टीचर को गुस्सा आया, टीचर ने जाते एक थप्पड़ मार दिया, तो क्या 321 के तहत अपराध हुआ या 319 के तहत अपराध हुआ? तो ये जो अपराध होगा ये 319 के तहत अपराध होगा। लेकिन 334 ये कहता है अगर कोई हल्की फुल्की चोट ऐसी मिली है जिस चोट देने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन एक मिनट के अंदर, 50 सेकंड के अंदर, 30 सेकंड के अंदर, यानी कि कुछ टाइम के अंदर एक ऐसी सिचुएशन बनी कि वो चोट दी गई, जैसे टीचर तो अपना आराम से पढ़ा रहा था लेकिन पीछे खुसर फुसर कर रहे थे, टीचर को गुस्सा आया और एक थप्पड़ लगा दिया, तो 319 के तहत मुकदमा नहीं माना जाएगा, यह 334 के तहत माना जाएगा। ये एक ऐसी हल्की फुल्की चोट दी है जिसका देने का कोई इरादा नहीं था, या फिर हम कह सकते हैं अनजाने में दी गई, भाई जैसे जा रहे हैं, जाते जाते किसी को अनजाने में धक्का दे दिया, धक्का लगते नीचे गिर गया, उसका यहाँ से हाथ थोड़ा सूज गया, हाथ दर्द करने लगा, अगर लग जाता है हाथ दर्द करने लग जाता है, वो दर्द आपको पता है 1-2-3-4 घंटे के अंदर खत्म हो जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी 323 लग जाएगी, वो 334 का अपराध माना जाएगा, यानी कि वो अपराध देने का कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी, कोई ऐसी प्लानिंग नहीं थी, हल्के फुल्के जो अपराध होंगे 323, और उनकी जो सजा मिलेगी वो 323 के तहत नहीं मिलेगी, 334 के अंदर ही सजा बता रखी है एक महीने की बस वो, यानी कि अगर टीचर ने थप्पड़ मारा है और बच्चों ने अगर एप्लीकेशन दी है, मुकदमा दर्ज करवाया, तो 334 का हो जाएगा, यानी कि अगर हल्की फुल्की वहाँ पर 323 नहीं लगेगी, सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ। अच्छा मेरे को ये बताओ 323 समझ में आई या नहीं आई, 323 के तहत जो एक्चुअल सजा है वो तो है ये, लेकिन अगर 323 ऐसी धारा के साथ लगती है जिसकी अपनी कोई सजा नहीं है, तब तो यही लगेगी, लेकिन 323 अगर किसी ऐसे सेक्शन के साथ लगती है जिसकी अपनी भी एक धारा है, अपना भी एक सजा का प्रावधान है जिन धाराओं के पास, तब ये गैर जमानती भी हो सकती है और ये संज्ञेय अपराध भी हो सकता है। और हाँ, जैसे 458 लगी, 14 वर्ष की सजा है,
तब फर्स्ट कैटेगरी का सुनवाई करेगा, सेकंड कैटेगरी का, तब कम से कम ये मान के चलो अब सेशन कोर्ट का मामला होगा, एससी सेशन कोर्ट 14 साल की सजा होगी ना, क्योंकि जो चीफ मजिस्ट्रेट है वो तो 7 साल तक की सजा का प्रावधान रखते हैं, और फिर उससे ऊपर कौन हो गए, सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट आजीवन कारावास तक की सजा दे सकती है। जैसे जैसे सजा बढ़ती जाएगी वैसे वैसे कोर्ट भी बढ़ता जाएगा, ये चीज़ भी थोड़ा मद्देनजर जरूर रखना। समझ में आई या नहीं आई मेरे को ज़रूर बताएं। सीखते हैं 324, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।